हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे। तो अगर वीडियो एंड तक वॉच कर रहे हो तो बता देती हूँ, आज मैं स्पेशली आपके साथ शेयर करूंगी अपना ईटिंग पैटर्न और कुछ हेल्दी डाइट्स जो मैंने आज ली हैं। अब जो मैं ईटिंग पैटर्न फॉलो करती हूँ वो दो लोगों को हेल्प करेगा। पहला, जिनका वेट गेन नहीं होता है या फिर मेंटेन नहीं होता है। दूसरा, जो लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, फुलर रखना चाहते हैं और इंटरवल्स में खाना चाहते हैं। तो सुबह उठते ही एम्प्टी स्टोमक मैं पीती हूँ एक ग्लास पानी, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। इसी के बाद मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ये आलमंड्स मैंने रात को ही सोक करके रख दिए थे। तो एक दिन में आपको 5 से 6 ही आलमंड्स खाने चाहिए। अब आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी खा सकते हो, जैसे कि काजू, आलमंड्स, वॉलनट्स, जो भी आपको पसंद हो। और ड्राई फ्रूट्स खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है, पर मॉर्निंग टाइम में खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो आलमंड्स मैंने खाए थे कुछ आधे घंटे पहले, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट बनने में भी आधा घंटा लग जाएगा। तो वैसे मैं रोज़ सेम ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, हर दिन मेरा अलग ही होता है। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ऑलिव ऑयल खाना, पर ये ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसे मैं सारी डाइट में तो यूज़ नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ दिन में एक बार तो ऑलिव ऑयल में मैं कुछ बना ही लूँ। तो मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स। वैसे मेरा हर दिन ब्रेकफास्ट अलग होता है, जैसे कि मैं कभी मूंग दाल चीला बना लेती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, स्टफ़ पराठा पनीर वाले, आलू वाले, या फिर प्याज भर के सैंडविच बना लेती हूँ चीज़ डाल के, सब्जी पराठा भी खा लेती हूँ, मिल्क वाले ओट्स, दलिया और अंकुरित अनाज जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। वैसे तो मैं मूंग दाल के स्प्राउट्स ज़्यादा खाने पसंद करती हूँ, या फिर कभी कभी मैं मिक्स दाल के स्प्राउट्स भी बना लेती हूँ। ब्लैक चने भी अच्छे रहते हैं, सोयाबीन, इनमें रिच हाई प्रोटीन होता है जो कि वेट को गेन कराने में और वेट मेंटेन कराने में भी हेल्प करते हैं। तो अभी बन गया है मेरा मसाला ओट्स, और ये मसाला ओट्स रोल ओट्स नहीं है, ये वही है जो मार्केट में मिलते हैं मसाला ओट्स। तो इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी वेजीज़ होती हैं, पर मैंने इसे टॉप अप कर लिया है अपनी वेजीज़ डाल के, तो जो भी अवेलेबल थी वेजीज़ वही डाल दी हैं। वैसे मुझे तो मिल्क वाले ओट्स भी खाने पसंद है, उस पर थोड़े से फ्रूट्स डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो भी एक रिच प्रोटीन ब्रेकफास्ट बन जाता है। तो इस तरह से भी मैं खा लेती हूँ ओट्स को। अब शावर लेने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जीन्स का बटन निकल गया। ये इसलिए क्योंकि मेरी जीन्स बहुत टाइट हो गई है। पापा, बोलिए। बटन टूट गया। अरे, इतना कैसे खा रहे हो तुम गर्मी में? मैं ज्यादा नहीं खा रही। अरे नहीं भाई, आपने इतना खाया है तभी तो, ये तो तुम्हारी जीन्स बड़ी ढीली होती थी है ना? और अभी लगा कम खाया वैसे तो पापा दिन में एक बार मेरे पास जरूर आते हैं, थोड़े पॉजिटिव हैं, होना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पापा से बोल रही हूँ कि देखो मेरे बम थोड़े हैवी होने लगे हैं, तो पापा बोल रहे थे कि थोड़ा कम खाया करो गर्मी में, पर प्रेस भी कर रहे थे वेट को लेके, तो बस खुश हो रही थी मैं यहाँ पे। अब मिडडे स्नैक में मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में है ये मैंगो शेक वाले मैंगो, थोड़े खट्टे हैं पर मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ। वैसे मेरे पास और कोई फ्रूट था भी नहीं, तो दिन में एक बार फ्रूट खाना ज़रूरी है। अब आप सीजनल फ्रूट भी खा सकते हो या फिर ऑल टाइम फ्रूट भी। तो अगर आप अच्छी डाइट लेते हो ना, ना सिर्फ ये आपको अच्छा वेट अचीव करने में हेल्प करती है, बल्कि आपके हेयर्स, स्किन, इनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी इंटरनली। तो यही कहूँगी, लगाने से ज़्यादा इंटरनल केयर पर ज़्यादा ध्यान दो, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये है मेरा लंच टाइम। तो लंच में मैंने बनाया है फ्राइड राइस, और इसमें मिक्स कर दिया मैंने पनीर भी। पनीर से ये थोड़ा रिच प्रोटीन डाइट बन गई है। तो इस वक्त कुछ टाइम हो रहा था 2 और 2:30 बजे के आसपास। वैसे अगर आप पनीर नहीं खाते हो ना, तो पनीर खाना स्टार्ट करो और राइस भी, क्योंकि ये दो एक ऐसी डाइट है ना जो आपके वेट को गेन कराने में हेल्प कर सकती हैं, अगर आप इन्हें रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो। 1 या 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन आप कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने करके देखना तो आपका नेचुरली वेट गेन और मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, वैसे तो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, पर अभी मैंने कुछ लास्ट 1 मंथ से स्टार्ट किया है, इसे फॉलो करना। और मैंने देखा है कि 1.5 महीने में मेरा 3 kg वेट रिकवर हुआ है, वो भी नेचुरली, सिर्फ डाइट से, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। तो अगर आप अपना ईटिंग पैटर्न इम्प्रूव कर लेते हो और हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ रिच प्रोटीन डाइट लेते हो, पर आपको पेट भर कर नहीं खाना है, मतलब पूरा फुल फुल करके नहीं, इस तरह से तो डाइजेशन भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपको हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है, तो आप देखना आपका नेचुरली वेट रिकवर भी हो जाएगा जो लूज़ हो गया है। क्योंकि जितनी कैलोरीज हम एक दिन में बर्न करते हैं उससे ज़्यादा तो हम इनटेक कर रहे हैं, तो इसलिए आपका वेट मेंटेन और गेन दोनों होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरे दिन में खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए मैं ले रही हूँ ये कैप्सूल। ये है सुनोवा का इजी लाइफ नेचुरल एनर्जी बूस्टर। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट और रिस्टोर करने में, इम्प्रूव करता है माइंड के अलर्टनेस और कंसंट्रेशन पावर को, और ये रिलीफ देता है स्ट्रेस और एंजाइटी से भी, तो प्रमोट करेगा ओवरऑल हेल्थ को और ये रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को भी। तो ये एनर्जी बूस्टर है 100% वीगन, सर्टिफाइड टेस्टेड भी हैं। इसमें है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो कि रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट में, ब्लड फ्लो अच्छे से करते हैं और इम्प्रूव करता है बोन हेल्थ। इसमें अश्वगंधा भी है जो कि फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, जो कि ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करके स्लीप क्वालिटी को भी बेटर बनाता है। इसमें मोरिंगा और गोक्षरा भी है। तो इस कैप्सूल को दिन में एक बार लिया जा सकता है खाना खाने के बाद, और ये हेल्प करेगा बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव करने में। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। अब सच कहूँ, मुझे आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं वेट गेनिंग पे नहीं हूँ, मैं वेट मेंटेनिंग पे हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे पेट पे फैट है इसे मुझे कम करना है और मसल मास में मुझे कन्वर्ट करना है, बट पे भी थोड़ा फैट आना भी स्टार्ट हो गया है, ये जिम में हो जाएगा। लेकिन जो नेचुरल बॉडी होती है ना विदाउट सप्लीमेंट के, वो कुछ ऐसी ही लगती है। लेकिन अगर आप वेट गेन की मेडिसिन ले रहे हो और डाइट ले रहे हो, तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूली फूली लगेगी, क्योंकि आप एक प्रॉपर जर्नी पे हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने वेट को मेंटेन करने की जर्नी पे हूँ, अच्छी हेल्दी डाइट्स खा के, जिससे मेरा वेट रिड्यूस ना हो, मेंटेन रहे, मतलब बैलेंस ना कम हो ना ज़्यादा हो। और अब जो मुझे आइडियल फिगर अचीव करना है अपना, वो मैं जिम में जाके करूँगी, क्योंकि जिम के बिना तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप अंडर वेट हो तो पहले घर पर रह के अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप जिम में जाके वर्कआउट कर सको, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। वैसे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सबने पूछा था कि ये जूसर मिक्सर किस ब्रांड का है, ये फिलिप्स ब्रांड का है, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। अगर आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इवनिंग टाइम में मैं पीती हूँ बनाना शेक, तो कुछ 5-6 बजे के आसपास पीती हूँ, क्योंकि इसी वक्त मैं वर्कआउट करने भी जाती हूँ, तो ये प्री वर्कआउट मील का भी काम कर जाता है। और पूरे दिन खाते नहीं रहना है, वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, और वाटर इनटेक को भी मेंटेन रखना, इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और जो भी खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब मैं लगा रही हूँ धूप भगवान जी के सामने, तो वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी भी रहती है घर में और डर भी नहीं लगता। और भगवान के सामने तो थोड़ा देर हमें बैठ के उनके सामने प्रार्थना करनी ही चाहिए, श्रद्धा भावना से करनी चाहिए, निस्वार्थ होकर। आपको सच कहूँ, जब हम रियल में भगवान से जुड़ते हैं ना, तो हम लोगों को चेस करना बंद कर देते हैं, और जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं ना, वो हम भगवान से कहना शुरू कर देते हैं, और हमें पता होता है वो सुन रहे हैं हमारी बात, तो आपको कभी अकेला फील होता ही नहीं है। आज डिनर में है 2 चपाती, पनीर की सब्जी, थोड़ा सा सैलेड और खीर। तो ये मैंने नहीं बनाया है, ये मम्मी ने भेजा है। यूजुअली मेरा डिनर घर से ही आता है, क्योंकि डिनर मम्मी जल्दी बना लेती हैं और घर पास में भी है तो पापा दे जाते हैं, और जब पापा नहीं आ पाते हैं तो उस दिन मैं डिनर खुद से ही बना लेती हूँ, पर मैं डिनर कभी स्किप नहीं करती हूँ।
अब डिनर टाइम में तो हम सबके यहाँ सेम ही बनता है, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, थोड़ा सा सैलेड हो जाएगा। अभी गर्मियाँ चल रही है तो कर्ड भी ऐड हो जाएगा। वैसे रात में नहीं खाना चाहिए, पर मुझे तो सूट कर जाती है तो मैं रात में भी खाती हूँ कर्ड। तो मेरा डिनर कुछ 8:30 के अराउंड हुआ है, तो कुछ 10:30 बजे के आसपास मैं एक ग्लास दूध पी लूँगी, मन हुआ तो। पर ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो इंटरवल्स में खाना स्टार्ट करो। एक साथ बैठ के खाना खाओगे वो आपकी बॉडी को कभी नहीं लगेगा, और वो बस खाओगे और वो निकल जाएगा। तो बस यही है मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे। इसी तरह से मैं अपना ईटिंग पैटर्न फॉलो करके अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ, और रिकवर कर लिया है वेट। तो आप भी कर सकते हो ये फॉलो। अब अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो जाने से पहले लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, आई लव यू।